खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। ये तो सच है कि इतिहास लिखे नहीं गढ़े जाते हैं और इस गढ़े हुए इतिहासों में हमारे तमाम शूरवीरों की शहादत शामिल है जिसे भारतीय जनता पार्टी दोबारा लिख कर मिटा देना चाहती है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इतिहास लिखा नहीं गढ़ा जाता है और वो तमाम गढ़े गए इतिहास में माफी मीरों का इतिहास भी लिखा जा चुका है जिसे भारतीय जनता पार्टी दोबारा लिखकर अपने माथे का कलंक मिटा देना चाहती है। लेकिन इसके बाद भी सच्चाई यही है कि इतिहास को चाहे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतिहास में लाकर बदलने की कोशिश कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतिहास ना बदला जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद देश के गृह मंत्री ने इतिहास पर अपना बयान देकर एक गहरी बहस छोड़ दी है। क्या कहा है उन्होंने, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। पहला साम्राज्य मुगल साम्राज्य बनने के बाद ही हुआ, ऐसा नहीं। इस देश में कम से कम 30 ऐसे साम्राज्य हैं जिन्होंने 200 साल से ज्यादा राज किया और बहुत अच्छे तरीके से राज किया, वो मुंह जवानी बताया जा सकता है। क्या हमारे विद्यालय के विद्यार्थी और प्राध्यापक इस पर रिसर्च कर लिख सकते हैं क्या? सन 57 के पहले और सन 57 के बाद कभी भी इस देश के किसी भी कोने ने अंग्रेजों को स्वीकारा नहीं है। एक एक इंच जमीन के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा है, लड़ना पड़ा। ये क्या संघर्ष नहीं है आजादी बरकरार रखने का, आजादी को बचाकर रखने का? इसको क्या इतिहास में चांस नहीं मिलना चाहिए? ढेर सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सन 57 की क्रांति के लिए कुछ न प्राप्त होने की स्थिति में भी ये लड़ाई लड़ी और मैं मानता हूं कि सन 57 की लड़ाई ने ही इस देश की जनता के मन में स्वराज के संस्कार शिवाजी महाराज के बाद पहली बार डालने का अगर कोई प्रयास ने काम किया तो 1857 की क्रांति ने किया और वहीं से हमारी आजादी की लड़ाई की भूमिका वहीं से शुरू, इसकी नींव वहीं से डली गई। चाहे सशस्त्र क्रांति का इतिहास देखो या कांग्रेस का अहिंसक आंदोलन देखो, इसकी नींव ढूंढने जाएंगे तो 1857 की क्रांति के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो, देश के गृह मंत्री जिस तरह से इतिहास को लेकर अपनी विचारधारा को सामने रखकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माफी वीरों का जो इतिहास लिखा गया वो सही नहीं गलत है, जिसे दोबारा से अहिंसात्मक तरीके से मिली आजादी की बात पूरी तरह से सच्चाई नहीं मानी जा सकती। इसी का जवाब कांग्रेस ने देकर गृह मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा है कि क्या माफी वीरों का जो पूरा इतिहास था उसकी पन्नों को बदलकर फिल्मों के इतिहास में दिखाकर क्या सच्चाई को बदला जा सकता है? ये तीखा प्रहार कांग्रेस ने देश के गृह मंत्री पे किया है, एक बार आप इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। इतिहास को फिर एक बार तोड़ मरोड़ कर बदलने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जाता है, बनाया जाता है। और हमारे देश के महापुरुषों ने और वीरांगनाओं ने इतिहास बनाने में इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि कोई भी भाजपाई और संगी उसके आस पास नहीं फटक सकता है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले आज एक बात पूछनी और जवाब मिलना जरूरी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि इस देश को आजादी अहिंसा के रास्ते से मात्र नहीं मिली। तो मोदी जी, सवाल आपसे है कि क्या आप महात्मा गांधी को, क्योंकि अहिंसा के पुजारी तो महात्मा गांधी थे, क्या आप महात्मा गांधी को आजादी के तमाम महानायकों में से एक मानते हैं या आप उनको फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता मानते हैं जो उनको बोस ने कहकर बुलाया और आजादी का प्रेरणा स्रोत मानते हैं? क्योंकि अहिंसा, शांति और सत्य का पाठ तो महात्मा ने ना सिर्फ हमें पढ़ाया पर उनसे प्रेरित होकर अमेरिका में
मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने अन्याय के खिलाफ शिद्दत से लड़ाई लड़ी और जीती। महात्मा गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, मैंने पहले भी कहा है। आप गांधी को यहां पर जरूर कुछ कह दीजिए, लेकिन अंततोगत्वा आपको शीश तो गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है, क्योंकि वैधता तो आपको तभी मिलती है। तो जब आप लाल किले के साउंड एंड लाइट शो में गांधी को एक लाइन में सीमित कर देते हैं या नेहरू को विलुप्त कर देते हैं, तो इससे ना नेहरू छोटे होते हैं ना गांधी का कद खत्म होता है, इससे आपकी छोटी और तुच्छ सोच का और छोटे मन का पता जरूर चलता है। गांधी वो है जिनके लिए आइंस्टाइन ने कहा था कि हाड़ और मांस का ऐसा एक पुतला कभी इस धरती पर विचरता था, आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी। लेकिन अमित शाह जी, जब आप गांधी, महात्मा गांधी के की उपलब्धि को, उनकी अहिंसा को कम आंकते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं, ये बात आपके आका मोदी जी को बतानी पड़ेगी। और एक बात और पूछना चाहती हूं, कब तक महापुरुषों को लड़ाकर अपनी दुकान चलाते रहिएगा? इतिहास में महापुरुष लड़ नहीं रहे थे, इतिहास में महापुरुष एक साथ खड़े थे। नेहरू जी, जिन्होंने दशकों पहले वकालत छोड़ दी थी, उन्होंने फिर से वकील का चोंगा पहना था क्योंकि वो आजाद हिंद फौज के वकील बने थे और 1945 में उसी लाल किले के अंदर जाकर तारीखों पे जिरह करी थी, बहस करी थी और उनके पुनर्वास के लिए भी सतत कार्यरत रहे थे। वही नेहरू जिनके बारे में सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी का कहना है कि उनको और उनकी मां को वो गुप्त रूप से आर्थिक सहायता करते रहे, वही नेहरू जिनकी पत्नी के स्वर्गवास पे और उनकी बीमारी में सबसे पहले पहुंचने वालों में से सुभाष चंद्र बोस थे, और वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज की दो रेजिमेंट्स का नाम गांधी और नेहरू पे रखा था, और वही सुभाष चंद्र बोस जब वो आजाद हिंद फौज में लोगों की भर्ती कर रहे थे तो आपके माफी वीर ब्रिटिश आर्मी में लोगों की भर्ती करा रहे थे उनके खिलाफ। तो कब तक महानायकों को लड़ाइएगा? असलियत यह है कि इस देश की आजादी में गांधी का योगदान है, नेहरू का योगदान है, पटेल का योगदान है, भगत सिंह का योगदान है, चंद्रशेखर आजाद का योगदान है, अशफाक उल्लाह खां का योगदान है, राजगुरु का योगदान है, रामप्रसाद बिस्मिल का योगदान है, और किसी के भी योगदान को आप कम नहीं आंक सकते हैं। लेकिन गांधी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना इस देश के लिए ही नहीं, सत्य और अहिंसा के हर पुजारी के ऊपर एक आक्षेप है, और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। छोटे मन से राजनीति नहीं होती, और इतिहास बदला नहीं, बनाया जाता है, और वो बनता सीमेंट की इमारतों से नहीं, बुलंद इरादों से है। काश ये बात आपको समझ में आती। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो जिसमें साफ तौर पर ये सवाल बार बार जहन में कौंधते हैं कि जिस तरह से इतिहास को बदलने की बात कही जाती है, लेकिन इतिहास में जो हुआ वो सबके सामने है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मदद से उस इतिहास को बदलकर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, किताबों को बदला जा रहा है और झूठे बयान दिए जा रहे हैं जिसे सच्चा मान लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद ये टेक्निक पूरी तरीके से विफल होते हुए भारतीय जनता पार्टी के वापस उनके ही सर पड़ती हुई नजर आ रही है। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।